वायु प्रदूषण की चपेट में दिल्ली, दिल्ली समेत एनसीआर में घने स्मॉग का संकट। दिल्ली में स्मॉग से राहगीरों के लिए पैदा मुसीबत। सुबह 5:30 बजे सफदरजंग इलाके में विजिबिलिटी सिर्फ 200 मीटर। दिल्ली के पालम इलाके में विजिबिलिटी का संकट, सिर्फ 500 मीटर के आगे देख पाना हुआ मुश्किल। राजधानी की आबोहवा में धूल और धुएं भरी धुंध का छाया गुबार। पराली और गाड़ियों का धुआं बन रहा है जहर, खतरनाक स्तर पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के वजीरपुर और जहांगीरपुरी का हवा में घुला सबसे ज्यादा प्रदूषण का जहर, दोनों जगहों पर 700 के पार पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। दिल्ली के आनंद विहार इलाके में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंचा, 670 तक पहुंचा AQI। दिल्ली के शाहदरा में एयर क्वालिटी इंडेक्स 639 तक। दिल्ली के केजी मार्ग इलाके में घना कोहरा, बेहद कम रही विजिबिलिटी। दिल्ली के कनॉट प्लेस और अक्षरधाम इलाके में लोगों को धुंध का करना पड़ा सामना। दिल्ली से सटे नोएडा में प्रदूषण का दिखा असर, एयर क्वालिटी इंडेक्स 545। यूपी के कासगंज पुलिस थाने में अल्ताफ की मौत पर सियासत गर्म, इस बीच सामने आया नया वीडियो, थाने में टोटी पर फंदे से लटका दिख रहा है अल्ताफ का शव। कासगंज के पुलिस थाने में मृत पाए गए अल्ताफ की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई सामने, फंदा लगने से मौत का जिक्र। कासगंज मामले मजिस्ट्रेटी जांच के आदेश जारी, अब तक 5 पुलिसकर्मी निलंबित, 2 लाइन हाजिर। पीड़ित परिवार से मिलने आज कासगंज जा सकती है प्रियंका गांधी, कल शाम कासगंज पहुंच चुका है कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल। आज तक से बोली प्रियंका गांधी, कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल की रिपोर्ट के बाद कुछ कहेंगे। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने मुरादाबाद की रैली में कासगंज में थाने में अल्ताफ की मौत का उठाया मुद्दा, गोरखपुर के मनीष गुप्ता हत्याकांड से की तुलना। ओवैसी ने अल्ताफ की मौत पर सीएम योगी को घेरा, समाजवादी पार्टी से किए सवाल, मनीष गुप्ता के परिजनों को मिले मुआवजे का दिया हवाला, कहा अल्ताफ के परिजनों से वही सलूक क्यों नहीं। मुसलमान मरता है तो कोई आवाज नहीं उठती है, क्या मेरे खून की अहमियत नहीं है, क्या मेरे नौजवान की जिंदगी की कीमत नहीं है। ओवैसी ने अखिलेश यादव पर किए करारे सवाल, अखिलेश को जिन्ना की तरफदारी वाले बयान पर दी नसीहत, जिन्ना को भारत तोड़ने वाला और बंटवारे का बताया जिम्मेदार। ओवैसी ने संघ की पोशाक पर कसा तंज, कहा हमें ना सिखाएं सबक, आजादी की लड़ाई के वक्त नहीं थी संघ की पैदाइश। सोनीपत के हलालपुर गांव में पोस्टमार्टम के बाद हुआ निशा और उसके भाई का अंतिम संस्कार, सीआरपीएफ ने गांव तक पहुंचाए शव। निशा के परिवार का आरोप, पवन निशा के साथ करता था छेड़छाड़, विरोध करने पर ले ली जान। देखो ये अभी इन्वेस्टिगेशन का मैटर है, इसके बारे में ज्यादा कुछ अभी नहीं बोल सकता। कितनी टीमें बनाई गई हैं? 4 टीमें बनाई गई। निशा मर्डर मामले के मुख्य आरोपी कोच पवन पर 1 लाख रुपए का इनाम का ऐलान, पुलिस ने जगह जगह चिपकाए पवन और सचिन के पोस्टर। दोनों आरोपी की तलाश में कई ठिकानों पर दबिश, क्राइम ब्रांच ने गठित की 4 टीमें। इस लड़की को परेशान किस लिहाज से? अब मेरे को ऐसे मोलस्क। बुधवार दोपहर निशा और उसके भाई की गोली मारकर की गई थी हत्या, डबल मर्डर केस में पवन की पत्नी सुजाता सहित 2 लोग गिरफ्तार। जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दों से जंग जारी, श्रीनगर और कुलगाम में मुठभेड़ के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को ढेर किया, फिर से शुरू हुई फायरिंग। कुलगाम में मिली थी 2 आतंकियों के छिपे होने की जानकारी, दूसरे की तलाश में सर्च ऑपरेशन जारी। आज 2 दिन के दौरे पर वाराणसी जा रहे हैं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी पदाधिकारियों के साथ करेंगे अहम बैठक। 2022 के लिए संगठन की सबसे बड़ी बैठक को संबोधित करेंगे अमित शाह, नई रणनीति पर मंथन, कार्यकर्ताओं को देंगे जीत का मंत्र। राजस्थान में कैबिनेट विस्तार को लेकर सियासी सरगर्मी जारी, आज सोनिया गांधी से मुलाकात करेंगे सचिन पायलट। राजस्थान के अलवर में फर्राटा भर्ती स्कॉर्पियो में अचानक लगी आग, झुलसने से ड्राइवर हुआ घायल। ड्राइवर और स्कॉर्पियो सवार ने आग लगने पर कूद कर बचाई जान, दमकल के पहुंचने से पहले स्कॉर्पियो जलकर हुई खाक। यूपी के हाथरस में टूटा रफ्तार का कहर, बेकाबू रोडवेज बस बियर के ठेके में घुसी, 3 लोग हादसे में घायल। बेकाबू बस ने कई गाड़ियों को किया क्षतिग्रस्त, क्रेन की मदद से बस को हटाने की आई नौबत। मुंबई के मानखुर्द इलाके में इमारत में लगी भीषण आग, आग पर काबू पाने के लिए 12 दमकल गाड़ियों का इस्तेमाल।
कानपुर और कन्नौज के बीच लखनऊ तक पहुंचा जीका वायरस, दो लोग बीमार। बरेली में स्मैक तस्कर इस्लाम के घर पर चला बीडीए का बुलडोजर, पहले भी गिराई जा चुकी है इमारतें। फरीदपुर पहुंची खाद से भरी मालगाड़ी, रेलवे स्टेशन पर खाद लेने के लिए उमड़ी किसानों की भीड़। अंबाला में सीएमओ दफ्तर के बाहर आशा वर्कर्स का प्रदर्शन, अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। भारी बारिश के बीच तिरुपति मंदिर जाने वाले घाट रोड पर लैंडस्लाइड का खतरा, एहतियातन रूट बंद। सुकमा में नक्सल प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे एसपी और कलेक्टर, ग्रामीणों की समस्याएं सुलझाने की कोशिश। जोधपुर में 50,000 रुपए रिश्वत लेते रेलवे का सेक्शन इंजीनियर गिरफ्तार, इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट को लेकर मांगा था कमीशन। मिर्जापुर में बीजेपी नेता के बेटे के साथ विवाद के बाद दो समुदाय में पथराव, पुलिस फोर्स तैनात। पटाखे चलाने का विरोध करने पर भिड़े पड़ोसी, हसीये और तलवारों से हमला, दोनों पक्षों में जमकर मारपीट। दबंगों ने युवक को बनाया बंधक, पैसे के लेन देन में फंसाने के लिए पैरों में असलहा रखकर वीडियो बनाने का आरोप। राजस्थान की बूंदी में खाद की किल्लत से किसान परेशान, खाद लेने के लिए आधा किलोमीटर तक लगी किसानों की लंबी लाइन। नई शिक्षा नीति के खिलाफ सीकर में विरोध प्रदर्शन, एसएफआई कार्यकर्ताओं का कलेक्ट्रेट के बाहर दो घंटे तक धरना। रांची में जेपीएससी परीक्षार्थियों का बापू वाटिका के बाहर धरना, 7वीं से 10वीं तक पीटी रिजल्ट रद्द करने की मांग। कासगंज कांड में विरोध में एएमयू छात्रों का मार्च, सीबीआई से जांच कराने की मांग। गुजरात के नवसारी में गैस पाइपलाइन में आग, करीब एक घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू। 24 घंटे में देश में बड़ी कोरोना मरीजों की तादाद, 13,091 नए बीमार, 340 ने गवाई जान। दिल्ली में लगातार 20वें दिन नहीं हुई कोरोना से भी मौत, 24 घंटे में आए 40 नए मामले। राजधानी में सक्रिय मरीजों की संख्या 367। देश में वैक्सीनेशन का आंकड़ा 110 करोड़ के पार, 24 घंटे में 57 लाख से ज्यादा लोगों को लगा टीका। राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मांडविया की बैठक, वैक्सीनेशन के हर घर दस्तक अभियान को सफल बनाने पर जोर। अंतर्राष्ट्रीय मुसाफिरों के लिए नई गाइडलाइन जारी, वैक्सीन डोज पर का 15 दिन पुराना होना जरूरी, 12 नवंबर से लागू नए नियम। बरेली में सिपाहियों ने दिव्यांग युवक को दौड़ा दौड़ा कर पीटा, सड़क पर गिरने के बाद मारपीट, वीडियो वायरल होने के बाद दोनों सस्पेंड। बैतूल में नाबालिग युवती के दोस्त के घर में बंधक बनाकर बलात्कार का मामला, फेसबुक पर हुई थी दोस्ती, हालात बिगड़ने पर पहुंची अस्पताल। तरनतारण में कपड़ा कारोबारी से 6 किलो सोना और 55 लाख रुपए की लूट, ग्राहक बनकर आए थे बदमाश। कानपुर में ओजरी कारोबारी की पत्नी से दिन दहाड़े झपट मारी, चेन छीनकर भागे बदमाश। बागपत में मेडिकल स्टोर मालिकों को चूना लगाने वाले गिरोह पर शिकंजा, सीआईडी देखकर बनाते थे प्लान। मुंबई में एंटी नारकोटिक सेल के नाइजीरियन तस्कर को पकड़ा गया, 2 किलो मेथाक्वालोन ड्रग्स बरामद। मंगलुरु से पुलिस के 2 तिब्बती नागरिकों को किया गया गिरफ्तार, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड के मामले में है आरोपी। थाने के खोपर हनुमान मंदिर में दान पेटी पर हाथ साफ, भीड़ का फायदा उठाकर निकल भागा चोर। पुणे में 2 महिलाओं ने एक दूसरे के पति पर दर्ज कराया रेप का केस, 4 लोग गिरफ्तार। आगरा में राष्ट्रीय पक्षी मोर की मौत से हड़कंप, खेत में मिले 8 शव, आधे दर्जन से ज्यादा मोर बेहोश। सूरत में 4 साल की बच्ची से रेप मामले में आरोपी को उम्र कैद, पुलिस ने 10 दिन के अंदर कोर्ट में दाखिल की चार्जशीट। सूरत में 2 नाबालिग छात्राओं ने पिता पर लगाया रेप का आरोप, शिकायत के बाद आरोपी गिरफ्तार। यवतमाल में मेडिकल छात्रा की बेरहमी से हत्या के बाद हंगामा, पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी। अलीगढ़ में अनाज व्यापारी से दिन दहाड़े 22 लाख की लूट, वारदात को अंजाम देकर लुटेरे फरार। जबलपुर में कांग्रेस विधायक संजय यादव के बेटे ने की आत्महत्या, पुलिस को 4 पेज का सुसाइड नोट बरामद। कानपुर में जमीन विवाद में युवक की हत्या, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार, परिजनों ने हाईवे किया जाम। आजमगढ़ में जहरीली शराब पीने से 2 लोग की मौत, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया, जांच में जुटी पुलिस। गुहाना में युवक की हत्या मामले में 5 आरोपी गिरफ्तार, प्रेम संबंधों को लेकर वारदात। महंत नरेंद्रगिरी की मौत मामले में मुख्य आरोपी आनंदगिरी की जमानत अर्जी खारिज, 22 सितंबर से नैनी जेल में बंद है आनंदगिरी। एमपी के झाबुआ में अवैध तरीके से धन परिवर्तन का मामला आया सामने, पुलिस ने 9 लोगों को किया गिरफ्तार। बांकुड़ा में जंगली हाथियों का तांडव, खेत में लगी फसलों को नुकसान। बेगूसराय में युवक की मौत में हंगामा के मामले में होगी कार्रवाई, डीएम और एसपी ने दिया आदेश। मुंबई में सड़क पर धारदार हथियार से पति ने की पत्नी की हत्या, शादी के बाद नाराज होकर मायके चली गई थी पत्नी। पलवल में ढाबे में काम करने वाले शख्स की हत्या, आपसी विवाद में साथी ने सिर पर बोतल से किया वार। अंबाला में रेप मामले में युवक गिरफ्तार, शादी का झांसा देकर 3 साल तक करता रहा यौन शोषण। कानपुर में बीच सड़क पर युवती ने एक युवक को जमकर जड़े थप्पड़, सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है वीडियो।
झालावाड़ में अवैध रूप से चल रहे पेट्रोल पंप का भंडाफोड़, दो संचालक गिरफ्तार। ग्वालियर में एक शख्स ने पेट्रोल डालकर जलाई अपनी कार, लोन रिकवरी टीम लिफ्ट करके ले जा रही थी कार। इंदौर में खिलौने के गोदाम में लगी भीषण आग, तीन मंजिला मकान जलकर खाली करवाई गई, आसपास की इमारतें। मुंबई में आग का गोला बनी कार, दमकल कर्मियों के पहुंचने से पहले स्थानीय लोगों ने डाला पानी। टी20 वर्ल्ड कप के रोमांचक सेमीफाइनल में पाकिस्तान को हराकर फाइनल में ऑस्ट्रेलिया, छह गेंद बाकी रहते हासिल किया 177 रन का लक्ष्य। ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू वेड ने पलटा मैच का पासा, महज 17 गेंद बनाए ताबड़तोड़ नाबाद 41 रन। छठे विकेट की साझेदारी में स्टॉइनिस और वेड ने बनाए 81 रन, 96 रन पर गिर गए थे ऑस्ट्रेलिया के 5 विकेट। बेकार गई पाकिस्तानी गेंदबाज शादाब खान की शानदार गेंदबाजी, 26 रन देकर झटके थे 4 विकेट। 14 नवंबर को दुबई में फाइनल भिड़ेगी न्यूजीलैंड ऑस्ट्रेलिया की, दोनों टीमों ने अब तक नहीं जीती है ये ट्रॉफी।